Okay, let me summarize everything about the last lecture, what we have studied in the last lecture, so that we can move forward with a flashback. So the revision was, we have learned how P-type and N-type materials are formed. And we have also learned when you join P-type material with the N-type material, there is something, a barrier which is formed due to the transfer of an electron from the n-type material to the p-type material. Whenever the electron jumps from n-type material, it leaves a positive ion. And when it enters the p-type material, it forms a positive ion. So the positive ion that is formed in the n-type material is being attracted towards the negative ion which is formed in the p-type material. This slow formation of positive and the negative ion start making a depletion region, which becomes a big trouble, a big hindrance, a big problem for the transfer of the electron from one region to another region. So this was all about the last lecture. So today we will be learning about ke hum kis tarah se जो ये बैरियर पोटेंशियल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बैरियर पोटेंशियल. ओके, सो कीप इन रिमेंबर, इट हैज डिफरेंट नेम्स. द फर्स्ट नेम इज डिप्लीशन रीजन, द सेकेंड अल्टरनेटिव सिनोनिम फॉर द डिप्लीशन रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉट फोर्स. एंड द थर्ड अल्टरनेटिव नेम फॉर दिस डिप्लीशन रीजन इज the barrier potential. All right, so why do we name it as a barrier potential? Because beta, we have learned in our basic classes, in our intermediate level, O levels or matric level, that whenever you have positive charge, whenever you have a positive and a negative charge, it forms a barrier potential. It actually forms a potential. So ek potential ban jata jab main kehta hu na ki ye positive charge hai, so we name it, we always name positive point at a higher energy and negative point at a lower energy. कि positive वाली जो side होती है वो एक उसके पास energy ज़्यादा होती है, negative side जो होती है वो उसके पास energy कम होती है. तो energy को हम potential का नाम दे सकते हैं. तो चूंकि ये electrical energy है, ठीक है, तो इसलिए ये एक electric potential होगा. ये potential field की वजह से बन रहा है, electric field की वजह से बन रहा है, इसलिए इसे electrostatic potential या barrier potential कहेंगे. क्योंकि ये barrier जो है वो एक potential है, एक energy है, यानी कि एक कुवत है, एक ताकत है, इसको हमने तोड़ना है. अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, कोई भी हमारी आम जिंदगी के अंदर आगे कोई रुकावट बन जाए, बैरियर बन जाए, रास्ता बंद हो आगे से और हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो रास्ते को तोड़ देते हैं. ठीक है, रास्ते को तोड़ के दरमियान से रास्ता बना के चीरते हुए हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमें जो है वो इस बैरियर पोटेंशियल को तोड़ना पड़ेगा. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बैरियर पोटेंशियल को तोड़ा कैसे जाए. सो बड़ा आसान सा तरीका है कि ये जो एन टाइप के अंदर मौजूद अभी इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अगर आगे पुश किया जाए तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हुए ये इनको तोड़ देंगे और एक जगह से दूसरी जगह इनका जो ट्रांसफर है वो अगेन शुरू हो जाएगा. इनका इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो वंस अगेन एक जगह से दूसरी जगह ये जाना शुरू हो जाएगी. सो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैटरी कनेक्ट करते हैं. लेकिन जब हम बैटरी लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. क्या नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ लगाया जाए तो जैसा हम सोच रहे हैं कि वो रास्ता जो है वो टूट जाएगा, कैसा किया जाए, या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ लगाया जाए तो वो रास्ता फिर भी टूट जाएगा. दोनों सूरत हाल में रास्ता टूट जाएगा और जो हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का दोबारा से बहाव शुरू हो जाए इस पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के अंदर, क्या वैसा होगा या नहीं होगा. सो दोनों चीजें परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट देखते हैं. ठीक है, यानी कि रिजल्ट हम किस तरह से देखते हैं बेटा, हम बैटरी लगा के दरमियान में यहाँ पे एक मीटर लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं और वोल्ट मीटर लगा देते हैं. आपने पढ़े होंगे ये मीटर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मीटर हम लगा देते हैं. इसे मीटर से हमें भी पता लगता है कि फ्लो हो रहा है, बहाव हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है जी, सो हमारे पास जो नीचे दो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, पिक्चर वन एंड पिक्चर टू, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें होता नजर आ रहा है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नो इलेक्ट्रॉन फ्लो. सो बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है.
इसकी जो पहचान है मतलब तो इसी इसकी जो रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, बड़ी वाजिया इविडेंट सी रीजन है। वो रीजन ये है कि यहाँ पे इसने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ लगाया और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमने बात याद रख लेनी, बात जो है वो आंखें बंद करके रट्टा लगा लेना कि ये पता लग गया कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वरना इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी जो है वो रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाने से जो है वो फ्लो क्यों होता है। अब इसकी रीजन हमने जो है वो देखनी है, इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि नेगेटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी के इस टर्मिनल पे आएंगे, सो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली रिपल्शन की वजह से आपकी चीजें दूर दूर दिखेली जाती हैं। ठीक है, जब आप रिपेल करते हैं, आप किसी को धक्का देते हैं तो धक्का देने से वो आपके पास नहीं आता बल्कि दूर जाके गिरता है। आप किसी को पुश करते हैं, पुल नहीं कहते, पुश करते हैं, और जो किसी को पुश करते हैं तो पुश करने से वो दूर जाके गिरता है, आपके पास नहीं आता, एक कुव्वत के साथ जाके गिरता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो बंदे खड़े, मैं एक बंदे को जोर से धक्का दूं और दूसरे बंदे के ऊपर जाके गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आते हैं तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से इनको ये आगे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल धक्का खाएंगे और आगे आइंस के ऊपर जाके गिरेंगे। यानी कि टेक्निकली बात की जाए तो एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी, उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या होगा, मजीद हम अपनी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे। पहले एक वोल्ट किया, हमें कहा नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा। दो वोल्ट किया इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, अब देखिए जितने ज्यादा बैटरी की ताकत होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपेल करने की ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो फिर दीवार को गिराने के लिए हम क्या करते जाएंगे, बैटरी को बढ़ाते जाएंगे। बैटरी को बढ़ाने से मुराद ये नहीं है कि साइज बड़ा करते जाओ, मतलब कि उसके वोल्टेजेस बढ़ाते जाओगे। बैटरी की वोल्टेज होते हैं ना, जैसे सेल होता है, तो आप कहते हो जी कितने वैल्यू का सेल लेना, 2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 6, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ाते जाते हो। आप वेरिएबल सेल ले लेते हो। आपकी लाइन में बेटा प्लीज शोर बहुत आ रहा है, आप ईमान इजाज अब नहीं बात करें तो बंद कर दें। तो ये हम करते होते हैं, तो हम बैटरी जैसे ही बढ़ाएंगे एक रिपल्सिव फोर्स होगी, ये बैरियर टूट जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1 वोल्ट के ऊपर ये काम होगा, क्या ये 2 वोल्ट के ऊपर काम होगा, क्या ये 3 वोल्ट के ऊपर काम होगा? नहीं, हर एक मटीरियल का अपना एक स्पेसिफिक वोल्टेज है कि वो कितनी ताकत के बाद, कितनी ताकत लगाने के बाद टूटेगा, कितनी ताकत लगाने के बाद जो है वो टूटेगा। हर एक चीज को, हर एक चीज की मटेरियल को मूव करने के लिए जैसे आपको एक ताकत चाहिए होती है ना, एक गाड़ी है, अगर गाड़ी को, अगर गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए, एक मेहरान गाड़ी है उसमें 4 बंदे बैठे हुए, तो हम कहते हैं अगर इंजन इतने, अगर इंजन इतने वाट की ताकत पैदा करेगा तब ही गाड़ी मूव कर पाएगी, नहीं तो नहीं मूव कर पाएगी। अगर गाड़ी को धक्का लगाना आप, तो आप कहते हैं कि अगर ये 4 बंदे मिलके इतने न्यूटन की फोर्स पैदा करेंगे तभी ये गाड़ी को धक्का लगा पाएंगे, नहीं तो ये नहीं लगा पाएंगे। तो इसी तरह से इसके अंदर भी अगर आप बैरियर पोटेंशियल को तोड़ना चाहते हैं तो हर मटेरियल का अपना एक बैरियर पोटेंशियल होता है। क्योंकि ये मटेरियल किससे बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो ये हम मटेरियल जो अमूमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो 2 किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, या सिलिकॉन या जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन मटेरियल होगा तो उसका बैरियर पोटेंशियल एक खास वोल्टेज पे जाके टूटेगा, वो 0.01 वोल्ट हो सकता है, 0.2 वोल्ट हो सकता है, 0.7 वोल्ट हो सकता है, 1.4 वोल्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आगे चल के हम देखेंगे कितने होते हैं। जर्मेनियम होगा तो उसके भी कुछ और होंगे, कुछ मटेरियल 0.3 वोल्ट देंगे तो वो उसका बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा, 0.3 से कम वोल्ट होगा तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, कुछ मटेरियल शायद 2 वोल्ट ले लें, 2 वोल्ट जब तक नहीं मिलेंगे उनका बैरियर पोटेंशियल नहीं टूटेगा, उससे पहले करंट फ्लो होगा ही नहीं। 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट दोगे तब आपको करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि बैरियर पोटेंशियल जो बन जाता है उसको ब्रेक किस तरह से किया जाए। उसको ब्रेक करने का बड़ा आसान सा सादा सा तरीका, बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी के टर्मिनल
जरा अकलमंदी से लगाओ तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से बैरियर पोटेंशियल जो है वो टूट रहा है। दूसरा केस हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने बैटरी नहीं लगाई, सॉरी आपने बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दिए, उल्टे करने की वजह से यहाँ पे बड़ा वाजिया तौर पर नजर आता है कि ये डिप्लीशन रीजन मजीद फैलता हुआ, मजीद चौड़ा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये सारी कहानी डिप्लीशन रीजन की। तो ये डिप्लीशन रीजन हमें चौड़ा होता हुआ जो है वो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जाने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, पी टाइप मौजूद है यानी कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारों को अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स में जाएंगे, इन होल्स में जाएंगे तो नेगेटिव आइंस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस होल में जाएगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव आइन बनेगा। तो भाई जब नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन की ताकत मजीद ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये नेगेटिव आयन मजीद अमाउंट में, तादाद में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जब नेगेटिव आयन ज्यादा बन जाएंगे, इसका मतलब है एन टाइप में मौजूद जितने पॉजिटिव आयन होंगे वो सारों को अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि ताकत ज्यादा होगी ना नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन पे तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होगा, मतलब नेगेटिव वाले हम टर्मिनल से बात जो ये है वो करते हैं कि करंट पास करेगा। पॉजिटिव, हम बात करते हैं यहाँ पे, सवाल ये पैदा होता है मस्ती कि यहाँ पे जो है वो सवाल ये पैदा होता है हमारे पास जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारे वहां से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिनली तौर पे आपका जो चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। हम जो कहते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करता है, वो कन्वेंशनल करंट लिया जाता है। तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट के लिहाज से नहीं चल रहे, बल्कि हम ओरिजिनल करंट के लिहाज से चल रहे हैं। जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो हम कहते हैं कि ओरिजिनली तौर पे करंट आपका नेगेटिव चार्ज से निकलता होता है, नेगेटिव चार्ज से फ्लो होता होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा हमने यही देखा है कि चीजें बड़े पोटेंशियल से, बड़ी चीज से छोटे चीज की तरफ आती है। जहाँ पे ताकत ज्यादा होती है वहां से वो निचले रीजन की तरफ जाते हैं, इसलिए हम उसे कन्वेंशनल मान लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव साइड पे जो है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज थी हमारे पास। तो हमने ये देखा कि अब यहाँ पे इसकी वजह से जो है वो तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, और नेगेटिव आइन की और पॉजिटिव आइन की, जिसकी वजह से हम कहेंगे पोटेंशियल जो है वो इसका बढ़ रहा है, इसलिए जो है वो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो पीएन जंक्शन है इसके बारे में कुछ बातें हैं, हम वो पढ़ते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस की थी और आपसे कहा था आपने पढ़ना है, और यकीनन जो है वो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, अब इसमें क्या बातें हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये है कि जी पी एन जंक्शन मटेरियल जो है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से के ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन पीस लेके उसके ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है। फैब्रिकेट्स क्या मुराद है? फैब्रिकेट से मुराद है कि आप एक मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर चिस्पा कर देते हैं। ये फैब्रिकेशन के लिहाज से, मतलब बनाने के लिहाज से है कि आप किस तरह से बनाते हैं, और उनके दरम्यान में एक जंक्शन बना देते हैं ताकि उनके दरम्यान में एक ट्रांसफर हो सके। फिर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जाते हैं होल्स के अंदर, ठीक है, और वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। वो जो दरमियान में पोटेंशियल रीजन बनता है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, वो जो जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कह रहे थे वो बैरियर पोटेंशियल आपका बनता है। ठीक है जी, सो हम उससे जो है वो बैरियर पोटेंशियल उसका जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हम। वो कोई अमूमन 0.6 से 0.57 वोल्ट होता है सिलिकॉन के अंदर। जो मैं बात कर रहा था ना कि हर एक बैरियर पोटेंशियल को टूटने के लिए कोई ना कोई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो कोई मैं कह रहे हैं मैं लेक्चर ले रहे हैं हमारी सिलिकॉन के लिए जो है वो हमारे पास जो है मतलब वो मटेरियल कितना हमें जरूरत पड़ती है, वो हमें जरूरत पड़ती है, वो हमें जरूरत पड़ती है 0.7 वोल्ट की। तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए 0.7, यानी कि बहुत कम ताकत लगाने, बैटरी बैटरी आपने लगाई 0.7 या 0.8 वोल्ट के बाद आपको करंट गुजरता हुआ नजर आया, तो ऐसे चीज को हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे बाइसिंग की इसकी, कि हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया इसे। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस क्यों किया? क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया पी टाइप साइड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एन साइड। ठीक है, सो ये फॉरवर्ड बाइस वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पी टाइप के ऊपर, पी टाइप, ये पी टाइप है, इस पी टाइप के ऊपर ये देखिए पी टाइप है ना, तो ये ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव वाला जो होता है वो ज्यादा ताकत वाला समझा जाता है।
तो फॉरवर्ड बायस ये याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि फॉरवर्ड बायस तब होगा जब, फॉरवर्ड बायस तब होगा जब पी टाइप मटेरियल ज्यादा पोटेंशियल पर होगा विद रिस्पेक्ट टू एन, विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप। अब हम किस तरह से कहते हैं कि पी टाइप ज्यादा पोटेंशियल पे है, एन टाइप ज्यादा पोटेंशियल पे नहीं है, जो बच्चा बताएगा पी टाइप किस तरह से हम कह रहे हैं कि पी टाइप ज्यादा पोटेंशियल पे, एन टाइप कम पोटेंशियल पे। जी हम क्यों कह रहे हैं कि पी टाइप ज्यादा पोटेंशियल पे, एन टाइप कम पोटेंशियल के ऊपर है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्योंकि आपने देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपने देखना है बेटा का पॉजिटिव ज्यादा है टर्मिनल वहां जो पे। है वो जी पी से कनेक्ट है, पी से नहीं। बैटरी, अगर बैटरी का टर्मिनल आपने देखना है बेटा कि बैटरी का टर्मिनल किस टाइप के साथ कनेक्टेड है। अगर बैटरी का पॉजिटिव, पॉजिटिव याद रखना पॉजिटिव, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी टर्मिनल के साथ ज्यादा होगा हम बाहर कह, जाएगा हम कहेंगे हम कहेंगे कि इस टाइम जो है वो पी टाइप वाला जो मटेरियल है, जो सभी मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा हम कहेंगे कि इस पे ज्यादा पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल। ठीक है, और जब भी पी टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि पी टाइप मटेरियल के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप मटेरियल, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर इस डायग्राम में देखा जाए, तो एन टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो हम कहेंगे एन टाइप मटेरियल के अंदर ताकत ज्यादा आ गई, वो ज्यादा पोटेंशियल उसमें आ गया। तो हमें ऐसी कनेक्शंस को हम रिवर्स बायस कहते होते हैं कि हमने इसकी जो बायसिंग, बायसिंग का मतलब होता है कि आपने बैटरी के टर्मिनल किस तरह से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल जो है वो आपने किस तरह से कनेक्ट किए हुए, सो ये रिवर्स बायस होता है हमारे पास। तो ये वो बात कर रहा है कि फॉरवर्ड बायस क्या है और रिवर्स बायस क्या है। फिर उसके बाद जब फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के अंदर करंट कंडक्ट्स अ करंट वंस अ बिल्ट इन वोल्टेज इज ओवरकम। बिल्ट इन वोल्टेज कौन से हैं कोई बच्चा बताएगा? पीएन जंक्शन के अंदर बिल्ट इन वोल्टेज कौन से होते हैं? पीएन जंक्शन के अंदर बिल्ट इन वोल्टेज कौन से होते हैं कोई बता सकता है? अभी सर, मैंने वो डिस्कस भी, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रो मतलब डिप्लेशन रीजन था ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की जी फील्ड थी, शाबाश, इलेक्ट्रिक वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक फिजा फील्ड, फयाज, जी उसकी बिल्कुल, वो वोल्टेज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनी हुई थी, मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है उसको हम पोटेंशियल कहते होते हैं, तो वो एक बिल्ट इन पोटेंशियल है, बिल्ट इन पोटेंशियल है यानी कि बिल्ट इन वोल्टेज है। वो बिल्ट इन वोल्टेज को ओवरकम करने के लिए हमें जो है वो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करनी पड़ती है। ये वही बातें हैं लेकिन अब इन बातों को वो टेक्निकली तौर पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है और आपने पेपर में भी ऐसे लिखनी है कि वो जो बिल्ट इन पोटेंशियल बन चुका है ना बैरियर वाला, मैंने आपको बताया कि इस बैरियर को तोड़ने के लिए बैटरी लगाओ, बैटरी की कुव्वत होनी चाहिए, इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो इस पोटेंशियल को तोड़ सके। तो वो कहता है कि वो जो पोटेंशियल होता है उसको बिल्ट इन वोल्टेज भी कहा जाता है, एक और नाम आ गया, हमने उसे बैरियर पोटेंशियल भी कहा, उसको डिप्रेशन रीजन भी कहा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहा, अब और बिल्ट इन वोल्टेज भी कह सकते हो। तो उसको तोड़ने के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल द एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल एक्सलेट मेजोरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन वेयर द रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस अलोंग द करंट फ्लो। कि जब आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो पी टाइप मटेरियल के अंदर जो है वो जा सके। रिवर्स बायस के अंदर देखा जाए, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के अंदर देखा जाए तो हम कहते हैं कि बिल्कुल भी करंट नहीं होता रिवर्स बायस के अंदर। आपने अभी पीछे देखा कि रिवर्स बायस के अंदर करंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो वो जो बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर होता है वो उसको क्या करता है, मजीद बढ़ा देता है और करंट के फ्लो को रोक देता है, और इसके साथ साथ वो क्या इंक्रीज कर देता है, इट ऑल्सो इंक्रीज द थिकनेस। किसकी थिकनेस? डिप्लीशन रीजन की, जो कि नॉन कंडक्टिंग डिप्लीशन रीजन। ठीक है, सो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन शो अ टेंपरेचर डिपेंडेंट रिवर्स लीकेज करंट, दिस इज अ लेस देन माइक्रोफेरेड इन अ स्मॉल सिलिकॉन डाइड। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये कहता है कि हमारे जो होता है वो कहता है कि देखिए ये पॉइंट क्या है, मैं इसको पीछे डायग्राम से दोबारा आपसे सवाल करता हूँ, ये बात क्या कर रहा है, ये पता क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्या यहाँ पे करंट हो रहा है? मुझे बताएं क्या यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है, आपको करंट पैदा हो नजर आ रहा है यहाँ? नो नहीं, यहाँ पे करंट नहीं नजर आ रहा। वो कहता है कि नो यहाँ पे फिर भी माइक्रो एम्पेयर के अंदर, बड़ा स्मॉल, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, वेरी स्मॉल यूनिट, करंट का यूनिट है एम्पेयर और उसके साथ लगा दी प्रीफिक्स माइक्रो। कहता है आपको माइक्रो, ट्रैवलिंग
माइक्रो अम्पेयर में जो है वो करंट पैदा होता हुआ नजर आएगा आपको, फिर भी माइक्रो अम्पेयर के अंदर पैदा होता हुआ करंट नजर आएगा, ये पॉइंट वो कह रहा है। अब बंदा पूछे कि माइक्रो अम्पेयर के अंदर करंट कैसे पैदा होगा जबकि फ्लो ही हो रहा है, वो कहते फिर भी पैदा होगा, क्यों पैदा होगा, अब उसकी रीजन क्या उसने दी, उसने कहा कि जी टेम्परेचर डिपेंडेंट रिवर्स लीकेज करंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिवर्स लीकेज करंट जो है वो पैदा होगा, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जब हीट अप हो जाएगा ना इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बैरियर हो जाएगा। आप देखें आप क्या कर रहे होंगे, यानी कि बात कैसे है, ये बात ऐसे है कि आप बैटरी बढ़ाते जाएंगे, आप कहेंगे यार ये मैंने बैटरी के कनेक्शन उल्टे लगा दिए, मैं 4 वोल्ट कर रहा हूँ करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैं 5 वोल्ट करता हूँ फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, 6 वोल्ट कर दिए फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, 7 वोल्ट कर दिए करंट फ्लो होता नहीं जा रहा, यहाँ से बैरियर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो वो कहता है कि आप बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल, ताकत बढ़ाते जाओगे, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन कहता है कि इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जरूर पैदा हो जाएगा, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपको बिल्कुल माइनर सा लीकेज करंट, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा वो फ्लो होता है, ठीक है जी। तो ये सारा था हमारा पीएन जंक्शन के बारे में, कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन?